सत श्री अकाल आदाब नमस्कार, मैं हूं सिमरन हंस और आप देख रहे हैं गूगल बॉलीवुड। लव रंजन की आने वाली फिल्म की बात करें तो लव रंजन की आने वाली फिल्म में ऐसी उम्मीदें थी कि हमें रणबीर और दीपिका की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर से ऑन स्क्रीन देखने को मिलेगी। जी हाँ, ऑन स्क्रीन इनकी जो केमिस्ट्री है ऑडियंस देखना काफी पसंद करते हैं। ये जवानी है दीवानी के बाद ऑडियंस को इनकी जो जोड़ी है और भी ज्यादा पसंद आने लगी और ऑडियंस चाहते थे एक बार फिर से इनको ऑन स्क्रीन देखना। लव रंजन ने ऐसा करने की कोशिश भी की, यानी इनकी जोड़ी को ऑन स्क्रीन वापस लाने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो पाया है। कुछ रीजंस के चलते दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म में नहीं आने का फैसला लिया है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण का कहना था कि वो किसी ऐसे डायरेक्टर के साथ, किसी ऐसे पर्सन के साथ काम नहीं कर सकती जिस पे सेक्सुअल असॉल्ट के इल्जाम लगे हों। जी हाँ, रिसेंटली #MeToo कैंपेन के चलते एक एक्ट्रेस ने लव रंजन पर ऐसे इल्जाम लगाए थे, जिसके चलते दीपिका के फैंस ने भी रिक्वेस्ट की थी कि और #hashtag भी चलाया था कि दीपिका ऐसे इंसान के साथ काम ना करें, और दीपिका ने ऐसा कंफर्म भी कर दिया कि वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगी। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि रणबीर कपूर के ऑपोजिट कौन सी हीरोइन नजर आएगी। तो रिसेंटली इस सवाल का भी आंसर हमें मिल चुका है। इसमें हमें नजर आने वाली हैं साहो गर्ल यानी श्रद्धा कपूर। और रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की भी बात करें तो ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट पहली बार नजर आने वाले हैं। इनकी केमिस्ट्री ऑडियंस को कितनी पसंद आएगी ये तो फिल्म आने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक और खास बात हम आपको ये बता दें, स्टार कास्ट की बात करें तो अजय देवगन जो है वो भी हमें इस फिल्म में नजर आने वाले हैं रणबीर कपूर के पिता के किरदार में। इसके अलावा अगर हम बात करें इस फिल्म की तो जल्द ही इस फिल्म को लेकर जो है श्रद्धा कपूर की एंट्री की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगी और अब इस फिल्म की शूटिंग भी जल्द ही स्टार्ट होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर हम श्रद्धा कपूर की बात करें तो श्रद्धा कपूर फिलहाल अपनी दो मूवीज की सक्सेस को आराम से एंजॉय कर रही हैं, फिर चाहे वो बात हो साहो की या फिर छिछोरे मूवी की, दोनों उनकी जो मूवीज है सुपरहिट गई है। इसके अलावा उनके आने वाली मूवी स्ट्रीट डांसर 3 भी रेडी है जल्द ही सिनेमाघरों में लगने के लिए। अब हमें उम्मीद है वो रणबीर कपूर के साथ भी अच्छा काम करेंगी और अपने फैंस को एक बार फिर से खुश कर देंगी। सो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ ही मैं सिमरन हंस आपसे लेती हूँ विदा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए गूगल बॉलीवुड।